एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा शासन प्रशासन द्वारा बाधाखिलाफी किए जाने के विरोध में न्यू कलेक्ट्रेट में जिलाध्यक्ष धर्मवीर शुक्ला एवं कोमल सिंह के नेतृत्व में एसडीएम सीबी प्रसाद को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया। दो मांग लंबित मांगों को लेकर यह ज्ञापन दिया गया था, जिसमें प्रथम मांग थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित की जाए एवं बाकी कर्मचारियों को 5 जून 2018 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पारित की गई निधि रेगुलर कर्मचारियों के समकक्ष 90% वेतन तत्काल लागू किया जाए एवं सीएचओ को एमएलएचपी कैडर के तहत नियमित किया जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से हटाकर आउटसोर्स किए गए सपोर्ट स्टाफ कर्मचारियों को पुनः एनएचएम में मर्ज किया जाए अथवा विभाग में रिक्त पदों पर समायोजन किया जाए एवं निष्कासित कर्मचारियों की तत्काल 100% बहाली की जाए। इन मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी द्वारा 15 दिसंबर से 3 जनवरी तक अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई थी। 3 जनवरी को स्वास्थ्य मंत्री अपर मुख्य सचिव द्वारा 1 माह के भीतर मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया था। लगभग 50 दिन बीत जाने के बाद भी संविदा कर्मचारियों की मांगों को शासन प्रशासन द्वारा पूरा नहीं किया गया है, जिससे प्रदेश के 32,000 संविदा कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। आज प्रदेश के 52 जिलों के 32,000 कर्मचारी एक दिवसीय सामूहिक हड़ताल पर हैं। आज ज्ञापन देते समय जलाध्यक्ष धर्मवीर शुक्ला, संयोजक कोमल सिंह, पुष्पन सिंह, अभिषेक सिकरवाल, जय कुमार साह, आशीष गुप्ता, आलोक जैन, धर्मराज नरवरिया, दीप्ति राय, सीमा शर्मा, विवेक श्रीवास्तव, जितेंद्र बरैया, संदीप गुप्ता सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे। सरकार के द्वारा 5 जून 2018 की एक संविदा नीति बनाई गई थी कि संविदा कर्मचारियों को सारे विभागों को रेगुलर कर्मचारी के समकक्ष 90% वेतन दिया जाएगा। कई विभागों में लागू हो गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अभी भी अछूता है। उसके लिए पिछले 21 दिन हमने फूलबाग मैदान पर आप सबके माध्यम से देखा भी होगा कि बड़ी हड़ताल की थी और 3 जनवरी को हमारे कुछ पदाधिकारियों के द्वारा भोपाल में बैठक करके स्वास्थ्य मंत्री जी से और वो वार्ता हो गई थी कि साहब 1 माह में सने सने एक एक करके आदेश निकलेंगे, लेकिन 1 माह के बाद पुनः कोई आदेश नहीं आया। तो आज एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ एक नया संगठन रजिस्टर्ड हुआ है, जिसके माध्यम से 23 तारीख को एक दिवसीय सामूहिक वो था अवकाश, उसके बाद देख रहे हैं, नहीं फिर चरणबद्ध तरीके से फिर आंदोलन के लिए जाएंगे, क्योंकि सरकार की बाधा खिलाफी से सारे संविदा कर्मचारी उत्तेजित, क्या परिवार पालना मुश्किल हो रहा है उन लोगों को। 10 से 12 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, 20-20 साल हो गए। नौकरी को कितना समय हो गया? मैं भी 2008 की नियुक्ति है मेरी, 2008 से अभी तक आपको परमानेंट कुछ नहीं, और 15-20 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं। आपको कितना समय हो गया? मैं 20 साल हो गए मुझे, 20 साल से आपका संविदा में ही मैं काम कर रहा हूँ और 20 साल में सरकार कई बार आश्वासन दिए। अभी पिछली बार जब आश्वासन दिया था तो हमें पूरी उम्मीद थी कि इस बार सरकार चुनावी वर्ष है और सरकार निश्चित रूप से भला करने की सोचती है, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी प्रदेश के हितकारी मुख्यमंत्री माने जाते हैं, आदरणीय मामा जी माने जाते हैं। इन सब के बावजूद भी अभी तक कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लेट लतीफ़ी और वादा खिलाफी के माध्यम से हम लोगों को फिर एक बहुत बड़ा छलावा हुआ है। इसके कारण आज हमें सामूहिक अवकाश लेना पड़ा है और ये एक संकेत है कि आज के दिन हम एक दिन सारे प्रदेश के लोग जब हड़ताल पर जा रहे हैं तो ये हड़ताल एक लंबी अवधि के लिए फिर से उस सरकार के सामने आ सकता है। नहीं माना गया, नहीं पूरा किया गया तो क्या करें? फिर से हड़ताल ही एक रास्ता संभव लग रहा है हमें।